press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शहरा खान को, जो कि इंटरव्यू लेंगी लुबना जैदी जी का, जो है तो पाकिस्तानी मूल की पर वो यूके सिटीजन है और जबरदस्त नॉलेज रखती है खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। और हम बात करेंगे आज जर्मनी की। जर्मनी ने भारत के साथ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर साइन किया है। जर्मनी जो है चाइना से अपनी जान छुड़ाना चाहता है और इंडिया की मार्केट में अपनी जो है बड़ी दिलचस्पी दिखा रहा है। इंडिया के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है साइन करता दिखाई दे रहा है। कितना बेनिफिट्स जो है जर्मनी को पहुंचेगा, इंडिया इस वक्त कितना ज्यादा इस रीजन के अंदर प्रोमिनेंट हो रहा है, इन सब बातों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि हमारे स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरत मेहमान मौजूद है लुबना, जो कि आपको अक्सर चैनल्स पे एक्टिव नजर आती है। तो वेलकम है मैम आपका हमारे शो पर। थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। लुबना जी, क्या कहेंगे आप जर्मनी के जो चांसलर है इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं और मोदी साहब के साथ उनकी बड़ी जबरदस्त मुलाकातें चल रही हैं और एक बहुत बड़ी जो मिलिट्री डील है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये वो जर्मनी है जो कि हमेशा इंडिया के रास्ते में हर्डल बना करता था, उसको मिलिट्री में हमेशा जो है ब्लॉक करने की कोशिश करता था। आज इंडिया के साथ ये मिलके 6 सबमरीन्स बनाने को जो है एग्री करता है, जिसकी डील बताई जाती है 43,000 करोड़ इंडियन रुपीज। तो इंडिया जिस तरह से एजुकेशन में आगे है, स्किलफुल वर्कर में आगे है, तो इंडिया की जो डिफेंस सेक्टर को लेके जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जर्मनी के साथ, आप क्या समझती हैं कितना बड़ा चेंज आएगा इसका चाइना के ऊपर एंड पाकिस्तान के ऊपर? आई थिंक पाकिस्तान के ऊपर तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो कौम है और जो मुल्क है वो कम्प्लीटली ढीठ है और कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पाकिस्तानियों को अपने आप को बदलना नहीं है। और पाकिस्तानी किसी लीग में नहीं है, इंडिया के किसी मुकाबले में नहीं है। यानी मुझे तो लगता है कम्प्लीटली फालतू है पाकिस्तान को इंडिया के साथ मिलाना किसी भी तरीके से, क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है और जो जर्मनी है, भले उसने जो है दखलंदाजी पहले करी होगी इंडिया के साथ, मगर जो है क्योंकि वो उसको नजर आ रहा है जर्मनी को अपना फायदा इंडिया में, तो वो अब ऑफकोर्स इन्वेस्ट करेंगे वो इंडिया में। वो पागल थोड़ी है, उनको वहां इन्वेस्ट करना है जहां पर उनको अपना फ्यूचर नजर आ रहा है। और परचेसिंग पावर और बार्गेनिंग पावर और इस टाइप की चीजें ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट होती हैं। तो पहले जो है इंडिया के पास कमजोर होगा बहुत बहुत साल पहले, अब ऑफकोर्स परचेसिंग पावर और बार्गेनिंग पावर इंडिया में बढ़ रही है, तो ऑफकोर्स कोई पागल ही होगा मुल्क जो निगोशिएट नहीं करेगा इंडिया के साथ, वहां वहीं पर फ्यूचर है। सप्लाई भी काफी है इंडिया के पास, और सिर्फ ऐसे नहीं कि सप्लाई लो क्वालिटी है, सप्लाई हाई क्वालिटी है। अंग्रेजी लैंग्वेज ऑफकोर्स बच्चे बच्चे को आती है इंडिया में, ऑफकोर्स जर्मन के जो लोग हैं अपनी जबान बोलना चाहते हैं कि लोग उनकी जबान बोलें जब वो आए, मगर इंडिया की जो आवाम है वो इजिली चीजें सीख लेती है, वो अडेप्ट इजिली कर लेती है, तो उनको वो दिक्कत नजर नहीं आ रही है, उनको ये प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही कि यार इंडिया के लोगों को लैंग्वेज या तो वो हिंदी बोलते हैं या तो दूसरी इतने लैंग्वेजेस इंडिया में या तो इंग्लिश, उनको पता है कि यार ये आएंगे और गंद नहीं बचाएंगे, ये एक्चुअली हाई क्वालिटी लेबर है और ये आएंगे अडेप्ट भी इजिली कर लेंगे। तो आई थिंक आपको जर्मनी सही कर रहा है, दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए कि अगर यू नो कि दूसरे लोग ऑलरेडी मुल्क जो है वो देख रहे हैं इंडिया को अपॉर्चुनिटी के नजर से। बिल्कुल, पाकिस्तान को कोई देखता भी नहीं है और कुछ काम भी ऐसे हमारे अच्छे नहीं रहे बाहर की कंट्रीज में, क्योंकि आप बाहर बैठी हैं। तो एक बड़ा कहते हैं ना, टॉपिक से थोड़ा हट रही हूँ लेकिन मेरा मन में है कि मैं सवाल आपके सामने रखूँ। जब बाहर हम देखते हैं कोई इंडियन है और फिर कोई पाकिस्तानी है, तो जो यूरोप है, जो अमेरिका है, जो कैनेडा है, वो एक इंडियन को, एक इंडियन स्टूडेंट को, एक इंडियन वर्कर को, एक इंडियन लीडर को किस तरह से समझते हैं, किस तरह से डील करते हैं, एंड वाइस वर्सा पाकिस्तान का लगा लें? पाकिस्तान के लोग पूरी दुनिया में बदनाम हैं। अच्छा। बहुत ही कम मुल्क होंगे जहां पर पाकिस्तानियों को अच्छा समझा जाता है। मैं तो एक भी ऐसे मुल्क को जानती नहीं हूँ फॉरेन मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा, यूके हो गया, यूरोप हो गया, जहां पर पाकिस्तानियों की इज्जत है, बल्कि पाकिस्तानी अपने आप को बोलना ही गाली है। और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, पाकिस्तान से कोई भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ना पैदा हुई हूँ ना मैं रहती हूँ भाई। मेरे माँ बाप गलती से पैदा हुए थे वहां पर, उससे पहले मेरी पूरी हिस्ट्री जो है, नाना नानी सब लोग इंडिया के हैं,
और मैं इंडिया के लोगों हाँ को, देखिए कोई मुल्क अच्छा नहीं हो, कोई मुल्क में कंप्लीटली परफेक्ट नहीं होता, अच्छे बुरे लोग सब जगह हैं। हर तो जब मैं जगह इंडिया की एग्जैक्टली तारीफ करती हूँ, जब मैं इंडिया की तारीफ करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं, मुझे ये पता नहीं है कि इंडिया में भी ऑफकोर्स अच्छे बुरे लोग हैं, ऑफकोर्स वहां पर भी अच्छे बुरे लोग हैं, मगर पाकिस्तान के मुकाबले में, पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में, यानी कोई मुकाबला ही नहीं है, इन दोनों का कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। तो अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं। पाकिस्तान के लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, इनके अंदर कुछ भी नहीं है किसी भी लायक के, कोई इनको बुलाए अपने मुल्क में, या कुछ ऐसी कोई डील आप उम्मीद नहीं लगाएगा कि पाकिस्तान के साथ होगी, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को एक तो होश ही नहीं है, जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, चलो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं कि इंडिया के साथ ये हो रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या होगा, मगर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और जो आम इंसान है पाकिस्तान में, उनको होश है कि एक्चुअली आप लोगों को खुद इस लायक बनना है, इससे पहले कोई आपको मुल्क में बुलाए या डीलिंग्स करे। पाकिस्तान का गवर्नमेंट भीख मांगता फिर रहा है कटोरी लेके, पाकिस्तान के जो सिटीजन हैं जो गलती से पहुंच जाते हैं बाहर के मुल्क में, लोगों को फंसा के शादी करके और पासपोर्ट के चक्कर में जो पहुंच जाते हैं, वो फिर वहां गंद मचाते हैं। तो जब इतना बदनाम है पाकिस्तान, इसलिए वीजा नहीं मिलता पाकिस्तानियों को, आम भी जो वीजा है हॉलीडे का भी, टूरिस्ट वीजा भी नहीं मिलता, क्योंकि उनको पता है यार ये लोग आएंगे गंद मचाएंगे, एक तो जाएंगे नहीं वापस पाकिस्तान, और क्योंकि उनकी जो है एक्सपीरियंस बाहर के लोगों का बहुत बुरा हुआ है पाकिस्तानियों के साथ। ऑफ कोर्स जो आवाम है बाहर के मुल्कों में, वो अपने गवर्नमेंट को बिल्कुल यही बोलती है भाई इन लोगों को यहाँ आने नहीं देना, मगर ऐसी कोई चीज इंडिया के लोगों के साथ नहीं है। अब जितने भी वीजे इंडिया को दिए गए जर्मनी ने पहले, उन्होंने वो ट्रायल के तौर पर अगर आप सोचें कि दिए कि अच्छा इतना देते हैं, तो ये इंडिया के लोग क्या करते हैं, क्योंकि इंडिया के लोगों ने वो ट्रस्ट अब्यूज नहीं करा, अपने आप को प्रूव करा कि वो लोग रिलायबल हैं, इस लाइक है, बल्कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना इंसान इंसान फायदा देखता है ना। तो जर्मनी ने देखा भाई इतने वीजा हमें दिए, इसमें तो बड़ा फायदा है, चलो इनको और दो और हमारा फायदा हो, सप्लाई एंड डिमांड, इंडिया प्रोवाइड कर रहा है सप्लाई, जर्मनी को है डिमांड, तो ये बिजनेस है भाई, तो दोनों को, ये दोनों को फायदा होगा। तो बहुत बड़ा फायदा जी, 20,000 पिछले साल जर्मनी ने वीजा दिया, और अब जो है इंडिया में आके वो ऐलान करते हैं कि हम जो है 90,000 जो है स्किल वर्कर को जर्मनी जो है वीजा देगा, जिसकी जो है जिसको ऐलान मोदी साहब ने भी किया। तो यस, ये आपकी बात से मैं एग्री करूंगी कि जो इंडियन ने जो ट्रस्ट डेवलप किया है इंडिया से बाहर, वो एक बहुत खूबसूरत है, जिसको लेके ब्रिटेन हो गया या फिर जर्मनी हो गया, अब लोगों को इंडिया की वर्कर्स की भी डिमांड है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। जी देखिए, स्टूडेंट में फायदा ये है कि आप जब अगर कोई छोटी उम्र में आए, आप उसको अपने तौर तरीके सिखा सकते हैं, वो जल्दी इंसान सीखेगा। अगर कोई 50-60 साल की उम्र में आए इंडिया से, या किसी भी मुल्क से जैसे जर्मनी, या इंडिया से, अभी तो इंडिया की बात हो रही ना, इंडिया से अगर आए जर्मनी, तो उनको ज्यादा मुश्किल होगा अडेप्ट करना। कोई स्टूडेंट आए, उनके लिए ज्यादा इजी, वो जबान भी सीख लेंगे, वो हर चीज सीख लेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स स्टूडेंट्स मिक्स ज्यादा करते हैं, जब सोशलाइज करते हैं एक्सेट्रा छोटी उम्र में, तो उनके लिए ज्यादा इजी है। तो जर्मनी को ऑफकोर्स फायदा नजर आ रहा है, और इंडिया ने अपने आप को प्रूव करा है। अब मुसलमान क्या करते हैं मैं बताती हूँ। अब जो इंडिया में जो डील हो रहा है, वो मुसलमान जो इंडिया में बैठे हुए उनके वजह से नहीं हो रहा है, जो हिंदू, ऑफकोर्स ज्यादातर हिंदू है ना, हिंदू है इंडिया में, उनके वजह से एक्चुअली डीलिंग्स हो रही है। अगर इंडिया में पूरे मुसलमान भरे हुए होते, इनकी पूरा गंध मचा हुआ होता, कोई भी डील नहीं करता। तो मजहब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अडेप्टेबिलिटी किसी इंसान की, और कल्चरल फिट होना चाहिए। इंडिया के लोग जो है दूसरे लोगों को के मजहब को एडजस्ट करते हैं, वो लोगों को फालतू में कन्वर्ट कराने के चक्कर में नहीं होते हैं। मुसलमानों में ये है कि उसको मुस्लिम बनाओ, उसको मुसलमान बनाओ, मुसलमानों को बर्दाश्त ही नहीं है कोई और। अब ये बात जरूरी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जर्मनी में जितना गंद मुसलमानों ने बनाया है, रखा है, ठीक है, जो शरिया लोग मांग रहे हैं, इस टाइप की चीजें मांग रहे हैं, इतने से छोटी सी परसेंटेज है मुसलमानों की जर्मनी में, उन्होंने गंद मचाई कि शरिया लो आप लोग मांग रहे हैं बाहर के मुल्क में, तो आप लोग इस लायक नहीं थे कि आप आए हैं, अब आ चुके हैं, शरिया लो मांग रहे हैं आप लोग। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना, ये इंडियन और हिंदू इंडिया के लाते नहीं अपने साथ कि हमें तो हिंदू लो चाहिए, हमें तो, हमारे साथ ये करो वो करो, अपनी ये डिमांडे नहीं रखते हैं, ये एडजस्ट करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को तकलीफ नहीं देते, जो मुसलमान है वो आके तकलीफ देते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, यस इंडिया के साथ डीलिंग्स हो रही हैं, मगर इसमें जो हिंदू है उनके साथ डीलिंग्स हो रही हैं। अब इन लोगों में से जो जिनको वीजा दिया जाएगा, जस्ट से एग्जाम्पल, कि ज्यादातर अगर मुसलमान लोग हों, कि 90,000 वीजे हैं इसमें, चलो ऐसे बोलते हैं कि 80,000 वीजे मुसलमानों को मिल गए इंडिया से, तो वो आगे गंद मचाएंगे, तो फिर जर्मनी कर लेगा बंद वीजे भाई, क्योंकि वो आके उनको गंद मचाना है। तो ये जो एक्चुअली ज्यादातर वीजे है ना, चांस यही है कि ज्यादातर हिंदुओं को ही मिलेंगे, ऑफकोर्स पॉपुलेशन भी हिंदुओं की ज्यादा है इन इंडिया,
मगर ये मुसलमानों को बहुत सीखना है, स्पेशली पाकिस्तानी जो पूरे मुसलमान भरे हुए माइनॉरिटीज इनकी रिड्यूस हो रही हैं, इनको कोई भी डीलिंग नहीं करेगा। और मैं तो खुद बोलती हूँ भाई खुदा के लिए नहीं करना, मैं यूके में जो आए हुए पाकिस्तानी जो बंद मचा रहे हैं उनसे हूँ, मेरे पूरे जो दो चैनल जो मैं चला रही हूँ पाकिस्तानियों को मुसलमानों को कुछ बोलना बताना चाह रही हूँ मैं चैनल के थ्रू, यार कोई तुम लोगों को पसंद नहीं कर रहा। जब कोई अपना इंसान मजहब का और अपने एडवाइस देता तो लोग ज्यादा सुनते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ। क्योंकि अगर कोई हिंदू वही बात करेगा या क्रिश्चियन या गोरा अंग्रेज वो बात करेगा जो मैं कर रही हूँ, तो मुसलमान पाकिस्तानी सुनेंगे नहीं, उनको लगेगा यार ये तो ऐसे ही बोल रहा है, ये तो रेसिस्ट है, ये तो इस्लामोफोब है। मैं इसी वजह से बोलती हूँ यार सुधर जाओ, क्योंकि पाकिस्तान की कोई भी इनिशिएटिव नहीं है अपने मुल्क को ठीक करने की। पहले तो अपने मुल्क को ठीक करो, फिर लोगों को प्रूव करो तुम लोगों ने जो ट्रस्ट तोड़ा है पूरी दुनिया के साथ एक्सट्रीमिज्म को लेके, पहले तो उसको सुधारो, फिर जाके उम्मीद लगाना कि कोई ना कोई तुम्हारे साथ दोस्ती करने की कोशिश करेगा। अभी तो सब भाग रहे हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शैला खान और लुबना जैदी जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।